फ्रेंड्स, ये एक स्विच बोर्ड है जो कि घर में लगा हुआ है, और इस स्विच बोर्ड में एक फैन रेगुलेटर लगा हुआ था जो कि जल गया है, और उसके जगह पे नया वाला फैन रेगुलेटर लगाना है। और किस तरह कनेक्शन करते हैं, चलिए मैं आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकल कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में ऑलरेडी एक पुराना वाला रेगुलेटर लगा हुआ है। चलिए मैं अभी निकाल के आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह जला हुआ है। देखिए, जो ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हो, ये फैन रेगुलेटर है जो कि हमारा पुराना वाला है, जो कि ऑलरेडी इसके साथ जो है कनेक्ट किया हुआ था। और चलिए अभी निकाल दिया हूँ, और ये रेगुलेटर की जो बैक साइड जो कवर है, इसे मैं निकाल देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जो कि ऑरेंज कलर का नीचे आप देख सकते हैं किस तरह ब्लैक कलर का ये जो है जला हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारा कंपोनेंट जो है जल चुका है। और चलिए अभी इसे मैं साइड कर देता हूँ, और इसके जगह पे देखिए मार्केट से एक नया वाला रेगुलेटर लेके आया हूँ, और ये रेगुलेटर को किस तरह फैन के साथ कनेक्शन करते हैं मैं अभी आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। और ये कनेक्शन जो है बहुत ईजी है, आप क्या कोई भी कनेक्शन कर सकता है बहुत ईजीली। फैन के रेगुलेटर लगाने से पहले चलिए फैन के पॉइंट को जो है फेज के साथ डायरेक्ट लगाते हैं, ये हमारा फैन चलता है कि नहीं। देखिए अभी हमारा फैन ये जो चल रहा है, यानी कि हमारा फैन जो है सही है। अभी देखिए ये जो है, ये राइट साइड में देखिए जो लगा रहा हूँ, ये फैन की पॉइंट है। जैसे ही मैं डायरेक्ट फेज के साथ लगा रहा हूँ तो हमारा फैन जो है ये चालू हो रहा है, और जैसे ही मैं निकाल दूंगा हमारा फैन जो है बंद हो जाएगा। और ये रेगुलेटर को जो है ये फैन की पॉइंट के साथ सीरीज में कनेक्शन करना है। और सबसे पहले चलिए ये फैन रेगुलेटर को ये स्विच बोर्ड के साथ फिट कर देते हैं, और उसके बाद मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। देखिए अभी भी सही से प्रॉपरली फिट नहीं हो पा रहा है, इसे थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके फिट कर देता हूँ। देखिए ये जो रेगुलेटर हमारा स्विच बोर्ड के साथ प्रॉपरली सेट हो चुका है। और चलिए ये स्विच बोर्ड से ये रेगुलेटर को किस तरह डीअटैच करते हैं उसके प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेगुलेटर में यहाँ पर एक व्हाइट पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये लॉक पॉइंट है। ये लॉक पॉइंट को ऊपर की तरफ अगर जैसे पुश करोगे, और इसके बैक साइड में और एक पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट है, और ये व्हाइट पॉइंट को जैसे ही आप लेफ्ट साइड की तरफ पुश करोगे, और पुश करके पुल करने पर यह हमारा रेगुलेटर जो है निकल जाता है। और हमारा रेगुलेटर में जो दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल को थोड़ा थोड़ा छिल के इसे ट्विस्ट कर देना है, और ट्विस्ट करने के बाद रेगुलेटर में एक टर्मिनल को लेके हमारा मेन सप्लाई की फेस टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देना है। और देखिए जिस तरह मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, इस तरह आपको प्रॉपरली कनेक्शन कर देना है। और रेगुलेटर के जो सेकेंड टर्मिनल है, सेकेंड टर्मिनल को लेके फैन की फेस पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। देखिए लेफ्ट साइड में जो रेड कलर की तार आप देख रहे हो, ये फैन की जो फेस पॉइंट है, और न्यूट्रल जो है ऑलरेडी हमारा फैन के साथ कनेक्शन किया हुआ है। और फैन रेगुलेटर ऑन करते ही हमारा फैन जो है चालू हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, फैन को ऑन ऑफ करने के लिए अलग से यानी कि सेपरेट एक स्विच नहीं लगा हुआ है, और फैन को जो है डायरेक्ट ये रेगुलेटर के साथ कनेक्शन कर दिया गया है, यानी कि रेगुलेटर से फैन जो है बंद होगा, और रेगुलेटर से फैन की स्पीड जो है कंट्रोल होगा। अगर फैन को ऑन ऑफ करने के लिए आप स्विच कनेक्शन करना चाहते हैं, तो स्विच को ये फैन रेगुलेटर के साथ सीरीज में कनेक्शन कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, स्विच को जो है रेगुलेटर से पहले कनेक्शन करना होगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।